नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। मैं हूं आपके साथ मुस्कान निर्वाण। गाजियाबाद के विजयनगर में नगर निगम के जोनल कार्यालय पर सफाई कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। गाजियाबाद नगर निगम के विजयनगर जोनल कार्यालय में सफाई कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। नगर निगम ने वाबाग नाम की कंपनी को एक साल पहले सीवर की सफाई का ठेका दिया था। ठेका मिलने के बाद वाबाग कंपनी ने सफाई कर्मचारियों से काम करवाना शुरू कर दिया था। वाबाग कंपनी ने सफाई कर्मचारियों से काम तो करवा लिया, लेकिन पिछले 3 महीने से वेतन नहीं दिया। वेतन नहीं मिलने से सफाई कर्मचारी आर्थिक संकट से लड़ रहे हैं। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि वह किराए के मकान में रहते हैं और किराए ना देने पर मकान मालिक उन्हें घर से निकालने की बात कर रहा है। घर के साथ साथ खाने का संकट भी बना हुआ है। अब देखना है कि सफाई कर्मचारियों को उनका वेतन कब तक मिल पाता है। गाजियाबाद से अतुल शर्मा के साथ वैभव शर्मा की रिपोर्ट, देखते रहे दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन सर। कहाँ पर आप काम करते हैं? सर मैं विजयनगर जोन में काम करता हूँ, मैं सुपरवाइजर हूँ सर। अच्छा, नगर निगम ने टेंडर दिया, किस कंपनी को टेंडर दिया और किस में आप काम कर रहे थे? सर नगर निगम ने वीके टेक बाबा कंपनी को टेंडर दिया है और हम उसी कंपनी में काम करते हैं। अच्छा, कब से आपको वेतन नहीं मिला? सर हमें 3 महीने, चौथा महीना लग गया सर। चौथा महीना लग गया है, तो क्या आश्वासन दिया गया अभी तक आपको? सर आश्वासन ये दे रहे हैं कि सैलरी 3-4 तारीख मिल जाएगी, पर भरोसा कुछ नहीं है। कई बार बात हो गई बात। अच्छा, किस चीज का टेंडर था? सर सीवर लाइन का टेंडर था। अब क्या काम पूरा हो चुका है? नहीं सर, काम तो पूरा नहीं हुआ, 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट सर ये। अच्छा, और सर पूरे लॉकडाउन में काम किया है। जब बीमारी चली थी कोरोना की, सब अपने घर में थे और हमने सीवरों के अंदर लड़कों को उतार उतार काम करवाया है सफाई में उस टाइम। अब क्या आश्वासन मिला है आपको? सर आश्वासन कुछ नहीं मिला है, सैलरी का कुछ आश्वासन कुछ नहीं मिला।